ओके चलो ठीक स्टार्ट करते हैं. प्लीज साइलेंस. लास्ट टाइम हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जांपल स्टार्ट किए थे और हमने इस असाइनमेंट से स्टार्ट किया था. असाइनमेंट A37 जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो ये प्रिंट आउट मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से पहले अभी तक हमने क्या किया रोटेशनल में? जब ये रोटेशनल स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में हमने कुछ टॉर्क का इंट्रोडक्शन लिया और फिर टॉर्क की थ्योरी कम थी और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे, एप्लीकेशन ज़्यादा थी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में. लैडर वाली प्रॉब्लम्स की थी. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बाद हमारी आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू किया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, इंटीग्रेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने थ्योरम्स की, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ न्यूमेरिकल्स किए, राइट? तो सेकेंड टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल्स किए. फिर टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी स्टार्ट ही हुआ था कि रोलिंग बीच में आ गई. रोलिंग हमने लास्ट टाइम शुरू की थी कि प्योर रोलिंग के अंदर वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा और उसी तरीके से एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा. ऐसे कुछ रिजल्ट्स हमने किए, आज भी रिवाइज होंगे. तो यहाँ तक हमने किया और अभी वो कर ही रहे थे कि बीच में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई. दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अभी और डिस्कस होनी है, जिसका आंसर अभी आपको शायद मालूम नहीं है, आपने वो टॉपिक कर भी लिया. उनमें से एक चीज़ है रोलिंग फ्रिक्शन. जब इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक्सेलेरेशन लास्ट टाइम निकाली, जिसका फॉर्मूला था जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k² / r², उसमें मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्रॉ की थी और वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो पीछे की तरफ थी. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर पीछे थी तो मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज करो ये एक बॉडी है, जब ये रोल स्टार्ट करेगी तो ये ऐसे मूव करेगी, इसका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा. तो अगर ये वाला पोर्शन पीछे जा रहा है घूमते हुए तो फ्रिक्शन रादर इस पर कहाँ एक्ट करनी चाहिए? आगे. देखो जो चीज़ अगर पीछे जा रही है तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, तो कहाँ एक्ट करना चाहिए था? आगे एक्ट करना चाहिए था, पर नहीं हुआ. मैंने कहाँ एक्ट करवाया? पीछे. तो ये पहला क्वेश्चन है जो आज मैं इसका आंसर दूंगा. इसका मतलब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अभी हमें क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, मैंने पीछे यूज़ किया और मैंने ये भी जस्टिफाई किया कि क्योंकि रोलिंग हो रही है तो टॉर्क आगे की तरफ है, तो किसी भी हालत में फ्रिक्शन होनी तो पीछे ही चाहिए थी, क्योंकि वही तो क्या प्रोवाइड कर रही है एक रोलिंग बॉडी को? टॉर्क. तो वहाँ से कुछ आइडिया तो मिला, बट फिर भी फ्रिक्शन के बारे में अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन की शीट मैंने आज आपको दी है, वो आज मैंने स्टार्ट करवानी है, राइट? काफ़ी ट्रिकी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और जिसको कुछ एनिमेशन से भी आज देखेंगे हम. तो एक तो ये प्रॉब्लम है. दूसरी रादर ये सारी प्रॉब्लम एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी थी, और दूसरे बात में स्टूडेंट है कि ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट जब उसने लिखना, जब रजिस्टर में लिखा होगा तो उसको थोड़ा लगा कि ये फ्रिक्शन कैसे ड्रॉ की. तो वहाँ से जो है आज मैं शीट तैयार करके लाया हूँ, उसका आंसर मिलेगा. एक दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा था कि सपोज करो जब आप ये बोलते हो कि रोलिंग मोशन के अंदर वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा होता है, और जब मैंने ये प्रूव किया था तो मैंने ना वो एक ऐसा फिगर बनाया था कि जैसे वो बॉडी यहाँ आ रही है, 2πr डिस्टेंस कवर करता है, तो रोलिंग के अंदर प्रूव करवाया था और उसके अंदर मैंने कहा था कि ओमेगा कॉन्स्टेंट है, और मैंने ये प्रूफ ये मानते हुए किया था कि ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, राइट? तो ठीक है, यहाँ तो जस्टिफाइड है, और मैंने प्रूफ भी किया वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा होता है इन प्योर रोलिंग. बट जब मैंने ये किया नेक्स्ट स्टेप में कि डी बाई डी टी ऑफ, दैट इज जब मैं ये प्रूव करता था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आर इंटू अल्फा, तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता था. और जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं ओमेगा के डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो यानी कि ओमेगा इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, ओमेगा इज चेंजिंग. तो फिर उस स्टूडेंट ने पूछा कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, एक तरफ आप प्रूव कर रहे हो ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, फिर अगले स्टेप में कह रहे हो ओमेगा इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया.
तो प्रूफ सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका एक सेकंड मेथड है मेरे पास प्रूफ करने का, तो आज मैं इसका भी आंसर दूंगा आपको कि इसको एक आसान तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। राइट, ये वो क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट पूछते हैं और जिस हिसाब से लेक्चर भी डराइव होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक फॉर्मेट है मेरा लेक्चर देने का, मैं एक ही लेक्चर देना है वैसे ही चलता रहेगा। तो आज की जो शीट है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तैयार की है फ्रिक्शन की, ताकि फ्रिक्शन के जो जो डाउट्स लोगों ने पूछे हैं वो सारे, एक तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो आपके मन में और आएंगे क्वेश्चंस करते हुए वो भी साथ में क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो ये चीज़ें जो है, दो चीज़ों का आंसर इसमें मिलेगा। और तीसरा एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक रोलिंग का आप केस लें और इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी को रोल करते हुए नीचे लेके आए, जैसे लास्ट टाइम किया हमने, और मैंने कहा था कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, टोटल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे और टोटल एनर्जी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सेम कर दो। तो क्वेश्चन ये था कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का, जिन लोगों ने सुना, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि उस टाइम तो आपने कहा था कि एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में लगती है, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, फिर आपने एनर्जी को कंजर्व कैसे किया? सही क्वेश्चन है। तो स्टार्ट वहीं से करूंगा, लेकिन एनर्जी से। लास्ट टाइम हमने रोटेशनल एनर्जी की थी। रोटेशनल एनर्जी के अंदर हमने ये किया कि अगर कोई बॉडी रोल करती है तो वो दो तरीके से बनी हुई है, ट्रांसलेशन एज वेल एज प्योर रोटेशन। तो मैंने ये करवाया कि सिर्फ ट्रांसलेशन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, सिर्फ रोटेट करने की एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, और रोल करने में ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों अपना रोल प्ले करते हैं, तो रोल करने की एनर्जी इन दोनों का सम होती है। ये आंसर है। फिर मैंने बीच में इसका प्रूफ भी करवाया कि हाँ, ये मैंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे प्रूव करना है। तो फिर मैंने शॉर्टकट करवाया कि टोटल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसलेशन की एनर्जी और प्योर रोटेशन के इक्वल होती है। मैंने बताया था कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा क्योंकि प्योर रोलिंग में वी सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा, तो ओमेगा इज वी बाय आर करके, यहाँ से जब मैंने आई की जगह पुट किया एम के स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करके एक शॉर्टकट आया। अगर कोई बॉडी रोल करती हुई जा रही है तो आपको दो एनर्जी अलग अलग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक ही आंसर लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इंटू 1 + k² / r². क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपको दो फॉर्मूलाज अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला से रोलिंग की एनर्जी आ जाएगी। राइट, फिर इसके ऊपर मैंने एग्जांपल दिया कि अगर स्फेयर होगी बॉडी तो k² / r² 2/5 पुट कर लेंगे, और अगर डिस्क होगी तो हाफ पुट कर लेंगे। फिर शायद मैंने एग्जाम्पल भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर तीन बॉडीज हैं, तीन बॉडीज को अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज करें और वो बॉडी नीचे आए, तो उस केस में मैंने कहा था कि टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऊपर और नीचे सेम करनी है, और पोटेंशियल की वैल्यू एम जी एच, काइनेटिक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो थी। अब जब बॉडी नीचे आ गई तो पोटेंशियल जीरो, और रोलिंग एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 + k² / r². तो ऐसा हमने किया, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आई, और फिर एग्जाम्पल लिया, अगर ये डिस्क है तो k² / r² को 1/2 पुट कर दें, अगर ये रिंग है और स्फीयर है तो k² / r² को 1 और 2/5 पुट कर दें, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया। राइट, इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक डिस्क है, डिस्क का मास एम डैश है और रेडियस आर है, डिस्क को क्या ट्रीट किया जाता है? लाइक अ पुली, ये पुली है, एक मास ये मैंने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, मैंने इसे रिलीज किया तो ये मास नीचे आना स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे मास नीचे आ रहा है पुली ने घूमना स्टार्ट कर दिया, पुली घूम पहले रेस्ट पे थी, पुली की स्पीड भी ओमेगा बढ़ना स्टार्ट हो गई।
राइट, किसी इंस्टेंट पर इस मास ने एच डिस्टेंस कवर कर लिया, किसी इंस्टेंट पर इस मास ने एच डिस्टेंस कवर किया, अभी और भी करना था, पर जब इसका डिस्टेंस एच हो गया तो बताओ इसकी इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन वर्क एनर्जी पार्क के अंदर भी कुछ किया हुआ है आपने? मेरे को लगता है मैंने लिख के दिया हुआ है। तो क्या करते थे, एनर्जी कंजर्व करते थे। फर्क ये था कि हमने पुली का मास कभी लिया नहीं था, बिना पुली के मास के किया हुआ है। और हमने ये कहा था कि जहां वेलोसिटी निकालनी है वहां ग्राउंड मान लो, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही ये क्वेश्चन हो सकता है। अब बस एक फर्क है, जब पुली का मास नहीं लेते थे तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर नहीं करते थे, बस इसमें एक और एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो गई, पोटेंशियल और काइनेटिक तो होगी होगी, अब पुली की एनर्जी भी ऐड हो गई जिसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये मास यहाँ पे था तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में पोटेंशियल काइनेटिक एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एंड काइनेटिक एट दिस पॉइंट इट विल रिमेन सेम। करके देखते हैं कैसे। एक काम करते हैं, यहाँ पर बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो बोलो काइनेटिक क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल क्या होगी, इसे ग्राउंड मानते हुए एम जी एच, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जब ये मास यहां पर था तो पुली नहीं घूम रही थी तो ओमेगा क्या होगा, जीरो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पुली इज जीरो। तो वन और टू पॉइंट का मेरे ख्याल से यह समझ में आ रहा होगा, ये मैंने लिखा हुआ है कि वन पॉइंट पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी, जीरो। वन पॉइंट पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि पुली नहीं घूम रही, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, मास नहीं चल रहा, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब एच डिस्टेंस हो गया, अब पुली घूम रही है तो पुली के पास कौन सी एनर्जी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई कहता सर हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चल नहीं रहा। तो ये कौन सा केस हुआ, प्योर रोटेशन का, पुली रोल थोड़ी ना कर रही है। वो फॉर्मूला तब लगता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाला, जब पुली रोल करे यानी कि आगे भी चले और घूमे भी, पुली सिर्फ खड़ी खड़ी घूम रही है तो हाफ एम वी स्क्वायर तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी उस इंस्टेंट पर हाफ एम वी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें। तो यहां से ये मैंने वैल्यू पुट की, ध्यान आगे पोटेंशियल एम जी एच आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का। फॉर्मूला बोलो, हाफ मास कितना लिया हमने डिस्क का, एम डैश इंटू आर स्क्वायर। और ये मैंने आपको बताया था कि मास के लिए जो वेलोसिटी है वो पुली के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी है। जो मास की वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पर वी, वो पुली के लिए क्या करेगी, टेंजेंशियल। और सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाया, नहीं ये वो नहीं लगाया, ये सर्कुलर का रिजल्ट लगाया। तो आपको पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा सेंटर ऑफ मास पे कब लगता है और टेंजेंशियल कब लगता है। पुली के केस में टेंजेंशियल लगता है, पुली चलती तो है नहीं, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पुली, एक ही बात है। ओमेगा की जगह v बाय r, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। यहां से एम जी एच वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओपन हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर। एम जी एच यहां से कॉमन निकाल लो, हाफ वी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, एम डैश बाई टू और एम, हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर आ गया,
सी निकालना है तो अंडर रूट ले लो, वेलोसिटी आ गई जब हाइट ब्लॉक ने एच कवर कर ली। पॉइंट समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी कैसे निकलेगी और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया, राइट? ये सारी प्रॉब्लम एक एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपसे नहीं होने वाली है घर जाके एकदम। मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन की 3 शीट्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो मैं करता जा रहा हूँ, जो इसके बेस पे होंगे या नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे वो आपका होमवर्क ही होगा, मैं डाउट्स लूँगा, ठीक? मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन की शीट्स दूंगा, राइट, जाते हुए दूंगा आज। बट क्योंकि ये हो नहीं सकता आपसे एकदम, तो आप पहले सीखेंगे फिर उसको लगा के देखेंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है और कारपेट की फॉर्म में है, रादर उल्टा बोलते हैं, एक कारपेट है फोल्ड किया हुआ है, रोल किया हुआ है। एक कारपेट को आपने खोल दिया तो एक कोना पकड़ा नीचे जमीन पे, खुलना स्टार्ट हो गया। जब वो खुलेगा तो वो पतला 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 होता जाएगा, जो उसका रेडियस है वो कम 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 और कम होता जाएगा। इमेजिन कर रहे हो इस चीज को, कारपेट काफी मोटा ले गया था मैं, रोल था, और अब की बार मैंने क्या किया, उसे खोल दिया, रोल अनरोल होना स्टार्ट हो गया। तो पहले वो इतना मोटा दिखता था, अब थोड़ा पतला दिखेगा। तो अगर इसका सही डायग्राम मैं बनाऊं बोर्ड पे, तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि पहले वो ऐसा दिखता था कि जब उसका रेडियस आर था, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसका रेडियस कितना हो गया, r/2, खुलता जा रहा है ना। तो खुलने का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास आगे आगे मूव करता जा रहा है, आगे तो जा ही रहा है साथ में नीचे भी जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे खुलता जा रहा है सेंटर ऑफ मास, रेडियस कम हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास नीचे आता जा रहा है। पर किसी भी इंस्टेंट पर ये दोनों पिक्चर्स क्लियर है, यहाँ पे रेस्ट पे था और यहाँ पर रेडियस कितना हो गया, r/2। क्वेश्चन है कि आपको मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है जब इस कारपेट का रेडियस कितना हो गया, r/2, राइट? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन समझ में आ गया? कारपेट आगे तो जा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन में मोशन में तो है ही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, वी सेंटर ऑफ मास, कब, जब रेडियस इज r/2। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले बहुत चीजें दिमाग में आएंगी अगर मैं ये मेथड ना बताऊं यहां पे। हर कोई पहले ऐसा लगाएगा कि शायद टॉर्क लग रहा है, राइट? टॉर्क से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि चीज रोल कर रही है तो टॉर्क की एप्लीकेशन है। ये टॉर्क से भी हो सकता है, पर एक प्रॉब्लम है, इसमें फोर्स नहीं गिवन, मैंने कितनी फोर्स से उसको खोला तो मैं टॉर्क निकाल नहीं पाऊंगा इसमें। तो ये ना एनर्जी कंजर्वेशन की कैटेगरी में जा सकता है, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले आर हाइट पर था, सेंटर ऑफ मास पहले कहां पर था, आर हाइट पर था। सिलेंडर पीछे की तरफ है, एल लेंथ है, मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं सिलेंडर का, तो आर हाइट पर था, सेंटर ऑफ मास पे था, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका मास कम हो गया, अनरोल हो गया, फोल्ड पोर्शन का मास तो कम ही हो गया, तो वो निकाल लेते हैं एम डैश कितना हुआ। लेकिन ये बात पक्की है, वो एम डैश की जो हाइट है ग्राउंड से वो आर नहीं है, अब कितनी, r/2 है। और काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिक्रीज हो गई। पहले कारपेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgr, अब कितनी है, m-gr/2, राइट? और जब एक एनर्जी डिक्रीज होती है तो बाकी एनर्जी, कोई ना कोई एनर्जी इंक्रीज होती है, और स्पेशली जब पोटेंशियल डिक्रीज होती है तो काइनेटिक इंक्रीज होती है, जिस वजह से वो घूम रहा है, और घूम रहा है का मतलब रोल हो रहा है, रोलिंग मोशन है ये, ओनली रोटेशन नहीं है, क्योंकि जब कारपेट अनरोल होता है तो वो आगे भी चलता है सेंटर ऑफ मास और वो घूमता भी है। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक, हाँ, एक चीज क्लियर कर देता हूं, सेंटर ऑफ मास, एक स्टूडेंट ने दूसरे बैच में पूछा भी, एक दो स्टूडेंट ने पूछा, रादर सेंटर ऑफ मास यहां नहीं रहेगा वो कहता है। मैंने पूछा वो क्यों, कहते कारपेट जमीन पर बिक चुका है, सेंटर में नहीं होगा, पीछे की तरफ होगा, पॉइंट है, मैंने भी सोचा नहीं था वैसे ये पॉइंट। तो प्लीज उस जो बिच गया कारपेट उसको नहीं कंसिडर करना, जो आपके हाथ में रह गया बस उसी के ऊपर क्वेश्चन है, राइट? सही बोला उसने कि जब कारपेट खुल गया जमीन पे, आधा आपने बिछा दिया तो उसका मास भी लो और इसका मास भी लो, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कैसे हो गया, सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ कहीं होगा नहीं। तो प्लीज मतलब क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, क्वेश्चन ने भी मेंशन नहीं किया कि जो बिछ गया उसका मास सब छोड़ दो, सिर्फ ये वाला मास लेना है, तो अब तो ठीक है,
अब सेंटर ऑफ मास इस गोल कारपेट के अंदर ही होगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ओके, तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ना मास की जरूरत पड़ेगी इसमें, इस कारपेट का मास कितना बच गया। कारपेट सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, रेडियस नहीं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, क्योंकि अंदर पूरा मास भरा हुआ है, तो वॉल्यूम पूरे सिलेंडर का कितना है, पाई आर स्क्वायर, एल कुछ भी अज्यूम कर लो, कोई बात नहीं एलिमिनेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम इतना है पूरे, जब इनिशियल जब अनरोल हुआ था तो मास कितना था एम, और अगर वन है तो एम बाय, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। मास पर यूनिट वॉल्यूम को नए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें पाई, रेडियस कितना आर बाय टू स्क्वायर एल, तो वॉल्यूम कितना, मास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, सॉल्व करके मास कितना आ गया एम बाय फोर। कोई डाउट इसमें? तो सीधा लिख देते हैं मास यहाँ पर एम बाय फोर, ये समझ में आ गया कैसे, और सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है आर बाय टू। क्लियर यहाँ तक? तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगी, ये इनिशियल सिचुएशन है कारपेट की, इनिशियल सिचुएशन जब कारपेट का मास एम है और सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, एट अ हाइट ऑफ आर, और बाद में मास कितना हो गया एम बाय फोर, जब हाइट कितनी हो गई आर बाय टू, और यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन वन एंड टू पे लगा रहे हैं, वन पॉइंट पर अच्छा एनर्जीज हैं कितनी, पहली ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी रोटेशन की एनर्जी, और तीसरी ट्रांसलेशन, क्योंकि रोलिंग का मतलब इन दोनों को लेना पड़ेगा, दैट इज रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी भी और ट्रांसलेशन की भी। ये बात समझ में आ रही है? तो वन पॉइंट पर ये दोनों एनर्जीज और टू पॉइंट पर ये सारी एनर्जीज आपस में सेम है। कोई डाउट इसमें? किसको किसके साथ इक्वेट करना समझ में आ रहा है? मतलब इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर थोड़ी ना होगी, रोल कर रही है, रोल में हाफ एम वी स्क्वायर भी होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगा, दोनों एनर्जीज होंगी काइनेटिक। अब दो टाइप की हो गई ना, रोलिंग में दो एनर्जी लेनी होती है काइनेटिक, ट्रांसलेशन की भी और रोटेट करने की भी। हाँ, इसमें शॉर्टकट भी लग सकता है, इन दोनों की जगह हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय, हाँ वो भी लग सकता है, अलग अलग लेना है अलग अलग लिखो, इकट्ठा लिखना है तो इकट्ठा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? क्योंकि सबसे पहले का तो यही पता होना चाहिए ना, कौन किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन है सॉल्व होगा नहीं तो। क्लियर जशन? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, पोटेंशियल एनर्जी बोलो इस पॉइंट पर कितनी, एम जी आर, एम जी आर, रोटेट तो बॉडी कर नहीं रही थी तो एनर्जी इज जीरो, ट्रांसलेशन की एनर्जी इज राइट। यहां पर आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल बोलो एम नहीं एम डैश, क्योंकि मास यहां पर एम नहीं रहा एम डैश हो गया, एम डैश जी आर बाय टू। कोई डाउट इसमें? एम डैश जी आर बाय टू। अच्छा, रोटेट करने की एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ट्रांसलेशन की एनर्जी हाफ एम नहीं एम डैश वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? समझ में आया यहां तक? तो अब ये जो एनर्जी है ना दो, ये इस डायग्राम को देखते हुए बनानी है, इसको देखते नहीं बनाने, क्योंकि अब हमने जो एनर्जी ली हाफ एम डैश वी स्क्वायर यहां ली, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहां पे लिया। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? ठीक है निखिल, क्लियर है? ठीक, ओके। एम जी आर का एम जी आर लेफ्ट हैंड साइड, एम डैश की वैल्यू क्या पुट करेंगे एम बाय फोर, सेम जी इंटू आर बाय टू, यहां तक क्लियर, प्लस हाफ आई, ये बॉडी क्या है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ आई आर, हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन हम अपना क्वेश्चन कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी यहाँ कैलकुलेट, तो यहाँ पर मास कितने एम डैश, तो हाफ आई की जगह हाफ एम नी एम डैश, और यहाँ रेडियस आर नहीं है, रेडियस आर बाय टू का स्क्वायर, गलती होने का पूरा चांस है यहाँ पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना देखे हाफ एम आर स्क्वायर मत भर देना, आप कहाँ निकाल रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इट इज चेंजिंग, रेडियस चेंज हो रहा है, आप कहाँ निकाल रहे हो, यहाँ निकाल रहे हो, तो यहाँ का मास और यहीं का रेडियस। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? कोई डाउट इसमें? इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम डैश की जगह
m बाय फोर इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। हर रूल क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्लियर। अब इसके अंदर एम जी आर का एम जी आर, इसको मल्टीप्लाई किया 4 इंटू टू 8, 2 इंटू टू 4, एम डैश की जगह m बाय फोर, आर स्क्वायर बाय फोर, ओमेगा स्क्वायर 8, सिंप्लीफाई किया। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? एक स्टेप में गलत गलत कर गया, प्लीज नेक्स्ट स्टेप में करेक्शन करना। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां निकालनी है? यहां निकालनी है, यहां निकालनी है, और ये बॉडी रोल कर रही है। रोलिंग में फॉर्मूला क्या लगता है? v इज इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा। चेतन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा। हाँ, क्या करेक्शन होगी यहां पर? r बाय 2। तो यहां पर रेडियस कितना हो चुका था? r बाय 2, और मैंने कितना ले लिया नीचे? r। तो प्लीज यहां करेक्शन करो, v सेंटर ऑफ मास, यहां पर v सेंटर ऑफ मास इज r ओमेगा नहीं लगेगा, यहां पर v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r बाय 2 ओमेगा लगेगा। कोई डाउट इसमें? करेक्शन करो, यहां 2 करो, यहां 2 करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? v सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय, या 2 ऊपर आएगा और r नीचे, निकाल लोगे। इस ओमेगा को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है। यहां पे ये देख रहे हो, ओमेगा को यहां पुट करो, ये सारा क्रॉस कर दो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, करो कैलकुलेट। इस ओमेगा को खुद निकालो r बाय 2 के साथ, और इसको यहां पुट करो और वेरीफाई करो v सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है। तो इसका आंसर अंडर रूट ऑफ 14/3 जी आर आएगा, राइट? तो प्लीज ये क्रॉस कर देना, अपना कैलकुलेशन खुद कर लेना। मेथड समझ में आ गया? ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन की ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने बताया आपको, और जो जो थोड़ी ट्रिकी और मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी ईजी हैं, बाकी आपसे हो जाएंगी। जो नहीं होंगी मैं डाउट्स ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। मंडे को टेस्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक होगा। मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा उसमें से। मैं संडे ही लगाना चाहता, संडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा नेक्स्ट संडे आपका मैं। तो अभी क्या है, क्लास के अंदर ही
या उससे पहले या बाद में, जैसे 15 मिनट लगा के चार क्वेश्चन दूंगा। एक दूंगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का न्यूमेरिकल, एक दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरम में से एक थ्योरम दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिस्क या जो भी वो तीन बॉडीज के डेरिवेशन थे उनमें से एक दूंगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल दूंगा, चार क्वेश्चन दूंगा। राइट, ये पहला फेज का टेस्ट होगा। वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा शॉर्ट टेस्ट, जिसके अंदर टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेके एनर्जी तक की प्रॉब्लम्स आएंगी। राइट, दो। ठीक, संडे को शाम है ना, प्रिपेयर करो, क्या दिक्कत है। ये तो वही चीज़ दे रहा हूँ जो रजिस्टर में आपने नोट की हुई है, उसको फिर से रिवाइज करके लिखना है। फिर उसके बाद हम एट पार आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास के ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट होगा, सेंटर ऑफ मास, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरीके फेज में होगा। राइट, बताता जाऊंगा, अभी तक मैंने वेडनेसडे का बता दिया आपको। ठीक, तैयारी करके आनी है, ऐसे नहीं आना, रिवीजन मस्ट है, ऐसा ना हो कि आप सुनते जाओ और पिछला भूलते जाओ। ओके ओके, ये शीट कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, एनर्जीज के ही एग्जांपल हैं, ध्यान आगे, एनर्जीज के एग्जांपल हैं, अभी खत्म नहीं हुई एनर्जी, एनर्जी खत्म नहीं हुई, एनर्जी के और एग्जांपल्स भी पेंडिंग हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज की और एग्जांपल्स में सबसे पहले पहला एग्जांपल है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और वो एक सॉलिड स्फेयर है। आपने एच हाइट से रिलीज किया, स्फेयर रोल करता हुआ नीचे आया। तो कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पता कैसे लगता है कि कहीं पता लगे गलती से वो रोटेट करता हुआ नीचे आ जाए। देखो, अगर वो नीचे आ रहा है और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है रोल है, तो फिर वो रोल है। फिर उसमें रोटेट की बात, रोटेट और रोल में डिफरेंस होता है। रोटेट बॉडी खड़ी खड़ी करेगी और रोल में वो आगे भी जाएगी और घूमेगी भी। अब जब वो स्फेयर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। तो रोल करता हुआ स्फेयर नीचे आ रहा है एच हाइट से और मास एम एस स्फेयर का रेडियस आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ जब वो नीचे पहुंचेगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका लास्ट टाइम किया, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज कर लो, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r² याद है। और फिर मैंने ऐसे किया था, यहां u 0, v निकालना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as में एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पुट कर दो। पर फिर मैंने साथ की साथ कहा था कि वो मेथड लंबा है थोड़ा, इससे बेटर है कि हम एनर्जी से सॉल्व कर लें। राइट, तो एनर्जी से कैसे किया, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल कितनी है एम जी एच, काइनेटिक क्या, जीरो, रिलीज किया आपने रेस्ट पे था और नीचे आते ही पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो, और काइनेटिक में रोलिंग एनर्जी आ जाएगी। और रोल करने की एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनटू 1 + k² / r² ऐसे होगा। और k² / r² सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, 2/5, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 7/5, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का अंडर रूट लेंगे, आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है कि कैसे आप एक बॉडी जब रोल करती हुई नीचे आती है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है।
देखो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं आपको ये कहूं कि एक कार यू वेलोसिटी से जा रही है और आपने उसके ऊपर वर्क डन किया तो उसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंक्रीज हो गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर है? और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। तो इस थ्योरम को क्या बोलते थे कि जब हम वर्क डन करते हैं और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उस वर्क डन से, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी वर्क एनर्जी थ्योरम, यही थी कि जब आप वर्क डन करोगे एंड इट विल जो अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सेम इसके अंदर, बस इसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, इसमें सिर्फ रोटेशन है। एक बॉडी रोटेट कर रही है विद ओमेगा वन, आपने उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगाया या कुछ आपने एनर्जी दी उसे और उसने ज्यादा स्पीड से ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब जो भी चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। राइट? जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने कितनी एनर्जी स्पेंड की 485 जूल इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है वैसे बता देता हूं, ये आगे कई ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। फ्लाई व्हील एक व्हील है जिसका मास उसके रिम के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है, मतलब साइड पे सरकमफ्रेंस पे, सेंटर वाला में कुछ नहीं होता। पर अब हो गया चक्का घूमेगा कैसे अगर बीच में खाली होगा, तो ऑब्वियसली स्पोक्स तो होंगे ही बीच में, वो तो होंगे ही, पर वो बहुत ज्यादा मास कैरी नहीं करते। तो कई लोग ये मानते हैं कि फ्लाई व्हील एक रिंग की तरह काम करता है, रिंग। वो क्यों? क्योंकि ज्यादातर मास तो उसके सरकमफ्रेंस पे, बीच में तो ना के बराबर है, स्पोक्स तो दो चार लगा दो तो भी चलता है। राइट? तो ये रिंग बॉडी है, लेकिन आप नेट पे पढ़ोगे कई बार वो कहते हैं नहीं स्पोक्स का मास भी है और बहुत सारे स्पोक्स हैं, तो ऐसा लगता है इट इज अ डिस्क। तो कई बॉडीज या कई ऑब्जेक्टिव या कई बुक्स इसको डिस्क मानती हैं, कोई रिंग मानता है, पर ज्यादातर लोग इसको रिंग ही मानते हैं। अगर न्यूमेरिकल आएगा प्लीज आप रिंग लेके सॉल्व कर लेना, एम आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर लेना, बिकॉज मास इज कंसंट्रेटेड ओवर इट्स सरकमफ्रेंस। राइट? इसमें जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूछा ही मोमेंट ऑफ एनर्जिया। ठीक, करें स्टार्ट। तो आपने इसमें एनर्जी स्पेंड की और इनिशियल स्पीड, उसने कहा स्पीड इज 60 rpm। कई लोगों को सर्कुलर से अब तक कंफ्यूजन रहती है, स्पीड बोला है ना तो ओमेगा ही होगा, वो बोलता रहे स्पीड, जो मर्जी नाम ले ले, आपने सिर्फ यूनिट देखने, आरपीएम स्पीड के यूनिट नहीं होते, आरपीएम फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं। तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी इज 60 rpm, डिवाइड बाय 60 करोगे आरपीएस, 1 rps, ओमेगा वन क्या होगा 2π × फ्रीक्वेंसी, 1 2π rads/s, कोई डाउट इसमें? ओमेगा वन आ गया, ऐसी न्यू टू कितना है 460 rpm, डिवाइड बाय 60 rps, 23/3 rps, ओमेगा निकालने के लिए 2π × फ्रीक्वेंसी, आंसर ओमेगा वन आ गया, ओमेगा टू आ गया। तो आपने एनर्जी स्पेंड की जिससे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, रोलिंग नहीं हो रहा फ्लाई व्हील का, खड़ा खड़ा व्हील रोटेट कर रहा है, और जब सिर्फ रोटेट होता है रोल नहीं करता तो ट्रांसलेशन मोशन तो होगा नहीं। ओनली रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा 2² माइनस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा 1² तो ये इंक्रीज इन एनर्जी है, अपने आप थोड़ी ना हो गई आपने सप्लाई की, ये रोटेशनल मोशन की वर्क एनर्जी थ्योरम है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ठीक है प्रभनूर, खुश हो बड़े। ठीक, एनर्जी की वैल्यू 485, हाफ आई, आई मुझे निकालना है, ओमेगा टू ओमेगा वन मुझे मालूम है, सॉल्व करेंगे तो आई कैन बी कैलकुलेटेड। ये मेरी कैलकुलेशंस हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट चेंज करके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको खुद ही करने हैं सारे। ठीक, आपको रिलेट करना है कि ये देखो चाबी आपके पास हर क्वेश्चन की होगी, बस आपको ये नहीं पता कि कौन सा ताले में लगेगी, ये आपको अब देखो कुछ तो आपको भी करना है, वो भी अगर मैं ताला भी दे दूंगा चाबी दे दूंगा फिर आपने क्या किया, कुछ भी नहीं, आप तो पता ही चलेगा, फिर आपको ना खोलना नहीं आएगा। तो आप घर जाके स्टेटमेंट पढ़ के इन कॉन्सेप्ट्स को
नए नए क्वेश्चन पे अप्लाई करना, राइट, तभी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। बोलो, फेंक दिया बस घुमा के, घूमता रहेगा है। रोलिंग तो रोलिंग में हेल्प करेगी फ्रिक्शन, अच्छी बात है। रोल नहीं करेगा, स्लिप करता हुआ चला जाएगा, तो फ्रिक्शन जरूरी है। एक बार तो ऊपर चढ़ने दो ना, बाद में आएगी वो। तो ऐसे तो फिर ऊपर ही चढ़ेगी, आप नीचे करते रहोगे। तो एक बार तो ऊपर चढ़ गई तो देयर विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी का मास m है, रेडियस r है, रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। देखो मेंशन करता है, ज्यादातर केस में मेंशन करता है कि रोलिंग का क्वेश्चन है। रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन भी है एंड रोटेशन भी है, विद अ वेलोसिटी ऑफ v। देखो जब वो बोलेगा विद अ वेलोसिटी ऑफ v, तो ये कोई पूछे ना कि कौन सी वेलोसिटी है, ये पक्का उसकी सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की ही होती है। रोल्स ऑफ द इंक्लाइन प्लेन अप टू हाइट ऑफ दिस, हाइट गिवन है, फाइंड आई। ये वही क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन में एक स्फीयर को रोल करवाया था ऊपर से नीचे, इसमें नीचे से ऊपर। उसमें कहा था पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, इसमें उल्टा, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। कहने का मतलब यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। तो इस पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल होगी क्योंकि यहां पर आके स्फीयर रुक गया, और पोटेंशियल कितनी होगी एम जी एच, एच तो हमें पता है एम जी एच, और नीचे कौन सी एनर्जी थी रोलिंग, रोलिंग में हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट, समझ आ रहा है यहां तक। और स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है टू, अच्छा निकालना ही है, सॉरी स्फीयर तो है ही नहीं, ये निकालना है आई क्या है इसमें, तो कोई बात नहीं। तो यहां से सॉल्व करेंगे कैंसल, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ गया 1/2। अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 1/2 एम आर स्क्वायर, क्योंकि जिन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है उनका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हाफ होता है। तो इसका मतलब ये बॉडी क्या हो सकती है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। क्लियर यहां तक, ठीक। फ्रिक्शन का रोल रोलिंग में था, ये जो डेरिवेशन है बेसिकली ये वाली ये अज्यूम करते हुए है। इसमें ना आपको एनर्जी कंजर्वेशन में बीच का रास्ता नहीं दिखाना होता, बस एक इनिशियल का और एक फाइनल का, दैट्स इट। तो जब वो रोल कर रही है तो फ्रिक्शन उसको रोलिंग में हेल्प कर रही है, तो मतलब ये ना सोचें कि फ्रिक्शन उसको रोकेगी और मैं लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा एम जी साइन थीटा माइनस समथिंग। हम एनर्जी से सॉल्व कर रहे हैं, हम फोर्स से सॉल्व ही नहीं कर रहे। अगर मैं फोर्स से सॉल्व करता फिर मैं फ्रिक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाता, लेकिन वो लंबा काम है, ये ज़्यादा छोटा है,
ये तो 1 मिनट का काम है, एक इनिशियल लो, फाइनल लो, बीच की बात ही नहीं करते हम, बात ही खत्म। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है? और रही बात फ्रिक्शन की, वो भी क्लियर कर देता हूँ 2 मिनट बाद कि फ्रिक्शन कैसे लगेगी। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है पुष्पेश, देखो ये एक क्वेश्चन है जो ना सर्कुलर मोशन में भी था, ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में भी था, और सर्कुलर मोशन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं, उस टाइम थोड़ा मुश्किल लगता, तो अभी अब पता नहीं कैसा लगेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसमें तो रोल नहीं है, वो क्यों नहीं रोल मैं बताता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मास एम इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। जब उसने बोला ना मास एम, उसने ये नहीं बोला देयर इज अ स्फेयर या डिस्क इज रोल्ड, स्फेयर इज रोल्ड, सिलेंडर इज रोल्ड, जब वो ऐसी बातें करता है ना, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। जब वो सिंपली ये कहता है ना मास इज रिलीज्ड, इसका मतलब कि पॉइंट मास है, और पॉइंट मास के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल सर्कुलर मोशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। डिस्क रिंग की प्रॉब्लम में टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है, क्योंकि उसने पॉइंट मास एम दिया, तो मैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लगाऊंगा नहीं, तो मैं इसमें सिंपल सर्कुलर से ही सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन है क्या देखते हैं, उसने कहा कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है, ये रहा सेमी सर्कुलर ट्रैक पे एक मास को रखा, ये रहा, बड़ा ले लिया छोटा ले लो चाहे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने इसको वेलोसिटी दी वी नॉट, हल्की सी वी नॉट, फ्रिक्शन नहीं है। ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है नीचे 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 नीचे, और फिर एकदम हवा में नीचे गिर जाता है, मतलब इसके साथ नीचे यहां लैंड नहीं करता, इसका कॉन्टैक्ट यहां पर लूज हो जाता है और ये टेंजेंशियली हवा में आ जाता है। अब कभी ना कभी तो टेंजेंशियली हवा में आएगा ना, हमेशा तो ऐसे नहीं गिरेगा, तो पहले आ रहा था फिर एकदम हवा में आ गया। ये बात समझ में आ रही है किसकी मोशन कैसे होगी? क्या ये पॉइंट क्लियर है कि मास पहले इसके साथ 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 चलता रहा यहां तक, फिर कभी ना कभी इसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया और ये टेंजेंशियली यहां आके कुछ गिर गया। क्वेश्चन ये है एंगल बताओ, जब इसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना गया? थीटा। उसके बाद इसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, फाइन थीटा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? ठीक, ये क्वेश्चन मेंस में, नीट में, एडवांस में, तीनों में एक एक बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। जो तो मेंस और नीट वाले हैं वो तो ना यहाँ वेलोसिटी दे देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है वी नॉट से हमने इसको फेंका और ये नीचे 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 आया, और जब इसने अपना कॉन्टैक्ट लूज किया उस टाइम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी थी? वी। वो दे देते हैं, एडवांस वाले नहीं देते, वो कहते हैं बच्चा खुद ही निकल लेगा बाय सम मेथड। तो चलो पहले सिंपल तरीके से करते हैं, मान लो मेरे को वेलोसिटी दे दी, राइट, जब तक ये ट्रैक पे चल रहा है सेमी सर्कल के, ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, देखो सर्कुलर मोशन चल रहा है, ध्यान आगे प्लीज, ये सर्कुलर मोशन चल रहा है, और सर्कुलर मोशन में जब ये थीटा यहां पे आया, इसका वेट कितना है mg, ये थीटा निकालना है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा अल्टरनेट, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन कितना n, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में था तो इसके पास इसका मतलब कौन सी फोर्स थी? सेंट्रीपेटल, और सेंट्रीपेटल कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड्स इसका सेंटर कहां पर है? ये रहा, सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? mg, इसके ऑपोजिट कौन सी है? n, कौन बड़ा होगा? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर चाहिए, और नेट फोर्स का मतलब mg cos थीटा माइनस n, ऑब्वियसली mg cos थीटा n से बड़ा होगा तभी तो नेट फोर्स कहां आएगी? टुवर्ड्स सेंटर, लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम है ये, तो mg cos थीटा फोर्स टुवर्ड सेंटर है लेकिन ऑपोजिशन में कौन है? n, लेकिन mg cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन n तभी तो सेंटर की तरफ आएगी। तो नेट फोर्स अगर सेंटर की तरफ है तो mg cos थीटा माइनस n इज नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स जो टुवर्ड सेंटर है वही प्रोवाइड कर रही है इसे सेंट्रीपेटल, तो उस पॉइंट पर सेंट्रीपेटल कितनी है? mv स्क्वायर बाय r। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में होगी उसके पास सेंट्रीपेटल होगी, सेंट्रीपेटल सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। अब एक स्टूडेंट मुझे बोलता कि सेंटर की तरफ तो बस mg cos थीटा एक्ट कर रही है, तो आपको सिर्फ mg cos थीटा ही लेना चाहिए था,
आप एन क्यों ले रहे हो? तो फिर मैंने कहा ठीक है एम जी कॉस थीटा है, एन चाहे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 100 न्यूटन, 20 न्यूटन, 200 न्यूटन, 2000 न्यूटन, कुछ भी लगा दूं, ऐसे कैसे लगा दूं, फिर तो हवा में ऐसे नहीं उड़ जाएगी बॉडी, क्योंकि एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक इधर और एक इधर, और ऑब्वियसली अगर ये इससे बड़ी होगी तभी तो नेट टूवर्ड सेंटर मानी जाएगी, और अगर एन बड़ा हो गया तो ये बॉडी फिर ऑब्वियसली ऐसे चली जाएगी, राइट एक बड़ा होगा, एक बड़ी फोर्स होगी और एक छोटी होगी। फिर उसने कहा कि सर क्या पता बराबर हो, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो मैंने कहा अगर ये बराबर है तो नेट फोर्स जीरो हो गई, सेंटर की तरफ कौन गया, कोई भी नहीं, तो सर्कल में बॉडी कैसे घूमेगी, और क्योंकि ये सर्कल में घूम रही है तो 100% है एम जी कॉस थीटा को एन से बड़ा होना ही पड़ेगा। क्लियर यहां तक? तो नेट फोर्स थ्योरी, याद रखना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जब भी कोई क्वेश्चन में लिखा हो एक बॉडी ने ग्राउंड से अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, मैं यहां पर हूं, अगर मैं हवा में यहां पर छलांग लगा दूं मैं अपना कॉन्टैक्ट लूज कर रहा हूं, तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। जब जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहूंगा तो एन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ठीक है, तो इसने भी अपना कॉन्टैक्ट लूज किया तो एन की वैल्यू जीरो, एन को जीरो पुट किया, एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसिल। अगर वो मुझे न्यूमेरिकल में वी दे देता तो मेरा देखो कॉस थीटा आ गया था, कॉस थीटा क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी, आंसर थीटा इज कॉस इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। आपको बहुत सारी ऑब्जेक्टिव शीट्स में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कॉस थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन आया तो। पर मेरे क्वेश्चन में तो मैंने वेलोसिटी दी नहीं आपको, मेरे क्वेश्चन में तो ये वेलोसिटी मैंने खुद ही एज्यूम की है, मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी जरूर दी है पर मैंने ये नहीं दी। थोड़ा सा भी सर्कुलर याद हो, इतना ही याद हो कि कुछ किया तो करते थे कि एक वेलोसिटी गिवन होती थी दूसरी निकालते थे, तो एनर्जी कंजर्वेशन ही एक तरीका था और कोई तरीका नहीं था, राइट। कम से कम ये तो याद होगा कि सर्कुलर मोशन में यार पता नहीं एनर्जी बीच में कैसे आ जाती है, तो यहीं से याद आ जाता है कि हाँ एनर्जी इसमें फिर से आ जाती है, और जहां एक वेलोसिटी गिवन हो और दूसरी निकालनी हो तो वी अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें और इसमें वन और टू पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए इसको ग्राउंड मान लेते हैं एक मिनट के लिए। अगर ये रेडियस आर है, पूरा आर है, ये भी आर है, ये थीटा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर एक्स है, ये वाला कॉस थीटा इज एक्स बाय आर, तो ये हाइट क्या आएगी, आर कॉस थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से ये आर, ये थीटा, आर कॉस थीटा, तो ये हाइट क्या आएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा, राइट। तो यानी कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां आया तो इसकी हाइट कितनी डिग्रीज होगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो स्टार्ट करते हैं, एनर्जी वन पॉइंट पर और टू पॉइंट पर बराबर करते हैं। वन पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और टू पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, इनका सम क्या रहेगा, सेम। देखो यहां पर पोटेंशियल कितनी, ग्राउंड ये मान लिया मैंने, पोटेंशियल कितनी एम जी इंटू हाइट, हाइट की जगह आर माइनस आर कॉस थीटा, पोटेंशियल क्लियर हो गई, ठीक। और काइनेटिक टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये भी क्लियर हो गया। इस पॉइंट पर काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और क्योंकि ये ग्राउंड का रेफरेंस है तो पोटेंशियल इज जीरो। मुझे इसमें क्या चाहिए, वी स्क्वायर, इस वी स्क्वायर को उठाओ यहां से और यहां पुट कर दो, वी स्क्वायर की वैल्यू नीचे पुट की, जी आर कॉस थीटा, आगे प्लीज वी स्क्वायर आगे देखो प्लीज, ठीक है यहां तक, वी स्क्वायर को जी आर कॉस थीटा, एम 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 कैंसल, इसको ओपन कर लिया, ये वैल्यू आ गई, कॉस थीटा वाली टर्म्स एक तरफ, जी आर कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर 1+1/2 बच गया, यानी कि 3/2, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं आगे, तो बस 3/2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ये आंसर है। कॉस थीटा में थीटा इज कॉस इनवर्स जो भी होगा लिख देना, ये एडवांस में आई हुई प्रॉब्लम है, मेडिकल वालों को जरूरत नहीं है करने की, नॉन मेडिकल वाले देख लें प्लीज, मेडिकल वाले वहीं तक तो ठीक हैं, ऊपर बस एन जीरो करके सफिशियंट है, उतना छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे पता नहीं मेंस वाले तो कुछ भी देते हैं यार, क्या पता लगता है कुछ ऐसी दे दें, ठीक पुराना एडवांस का इसलिए कह रहा हूँ, बट मेथड समझ में आ रहा है सिंपल, थोड़ी कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा है और कुछ नहीं है।
ठीक, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट जो असाइनमेंट है उसमें रोलिंग मोशन एंड फ्रिक्शन। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A39 नंबर की शीट प्रिंट आउट लें प्लीज, A39, और नाम है रोलिंग मोशन एंड फ्रिक्शन। प्लीज साइलेंस। रोलिंग मोशन एंड फ्रिक्शन के अंदर मैं क्लियर कर दूं वैसे एक बात, बहुत अलर्ट होके बैठना। रोलिंग मोशन के अंदर जो फ्रिक्शन होती है इसके बारे में आपकी बुक्स के अंदर भी बहुत अच्छे से नहीं लिखा हुआ। आप कोई बुक उठा लेना, मैंने तो आज तक कोई बुक देखी नहीं जो क्लियरली आपको फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स के बारे में बता दे कि ऐसे ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के अंदर ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स भी परेशान करते थे, और बुक्स के अंदर भी इतना ज़्यादा मेंशन नहीं होता, अलग अलग जगह पे है, पर चलो फिर भी मैंने कोशिश की। रोलिंग में तो किताब के अंदर ही नहीं मिलने वाला आपको कि फ्रिक्शन लगती कैसे है, और आप उलझे रहोगे फ्रिक्शन को देख के कि फ्रिक्शन लग कैसे रही है। तो ये कई बुक्स में से थ्योरी है, बहुत सारी इंटरनेट की वीडियोज़ में से समझ के थ्योरी है, तो बहुत ध्यान से समझना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इवन एच सी वर्मा की बुक भी, आज मैं उसका लेक्चर भी सुनाऊंगा एच सी वर्मा का, वो वीडियो देख भी रहे थे आप अभी, एक स्नैपशॉट था, तो एच सी वर्मा के वीडियोज़ भी हैं, तो उसके अंदर रोलिंग का वीडियो मैंने सुना हुआ है, उसके अंदर भी फ्रिक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है। बुक खोल के देखोगे तो भी एक लेवल तक मेंशन है, पर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं वो थोड़े से और डीप लेवल तक आ जाते हैं। तो अपने को ना फ्रिक्शन एकदम साफ दिखनी चाहिए कि ये पता लगना चाहिए फ्रिक्शन इधर लगेगी या इधर लगेगी, बस। अगर ये नहीं पता लग रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। और ज़बरदस्त रूल है फ्रिक्शन के रोलिंग में, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, फिर क्वेश्चन बताना एक, और उस क्वेश्चन को देखने के लिए एक एनिमेशन भी है, उसे समझेंगे इसका आंसर। देखो सबसे पहले रोलिंग मोशन विद फ्रिक्शन। हमारे पास जब कोई बॉडी रोल करती है वो तीन तरीके से रोल कर सकती है। पहला, बस आपने रेस दी गाड़ी को और वी वो प्योर रोलिंग में आ गई। प्योर रोलिंग का मतलब जितना ज़्यादा आप उसको तेज़ घुमाओगे सेंटर ऑफ मास भी उतना ही तेज़ चलेगा, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। रोलिंग ये तो पता ही है सबको। प्योर रोलिंग के अंदर एक बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट लगता है, वी सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है जब हम प्योर रोलिंग बोलते हैं, प्योर रोलिंग में वी सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा। यार बाकी सारी बातें ठीक है, मैं बहुत दिनों से प्योर रोलिंग बोल रहा हूं, ये प्योर रोलिंग क्या होती है? रोलिंग और प्योर रोलिंग में कोई अंतर है क्या? है, अंतर है। चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब थोड़ा प्योर रोलिंग से हट जाते हैं। रोल तो करवाऊंगा पर ठीक था रोल नहीं हो पाया। आपने क्या किया, एक कार का टायर है या बाइक का टायर है, आप जा रहे हो और मान लो नीचे थोड़ी मिट्टी है, सैंड है, रेत है। अब क्या हुआ कि आप ने थोड़ा स्किडिंग की, ब्रेक लगाया, स्किड हुई। अब स्किडिंग के अंदर क्या होता है, गाड़ी का पहिया धीरे घूमता है, तेज भी घूम रहा, धीरे घूम रहा है, लेकिन उसकी स्लाइडिंग ज्यादा हो गई। ठीक तरह टायर घूमेगा नहीं ऐसे केस में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो व्हील है ये स्लो घूम रहा है। कई बार मूवीज एनिमेशन में देखा भी होगा, बारिश में वो स्किडिंग हो रही है, या एक्टर्स या कोई बाइक्स हो रही, बाइक टर्न ले रही है, तो धीरे धीरे स्लो मोशन में दिखाते हैं, टर्न तो हो रही है लेकिन स्किडिंग वो गिरता जाता है कोई भी एक्टर, तो वो स्किडिंग ज्यादा कर रहा है। ये तो कोई प्योर रोलिंग नहीं है। प्योर रोलिंग नॉर्मल जैसे आप गाड़ी चलाते हो वो प्योर रोलिंग है। तो नॉर्मली आप स्किडिंग करते हुए कभी गाड़ी चलाते नहीं हो, तो जब कोई स्किडिंग नहीं होगी गाड़ी फिसलती हुई नहीं जाएगी या घिसटती हुई नहीं जाएगी, तो वो प्योर रोलिंग है। नॉर्मल गाड़ी का चलाना प्योर रोलिंग है, पर जहां आपने ब्रेक सप्लाई करके उसकी स्किडिंग स्टार्ट कर दी और हो सकता है टायर घूमना ही बंद हो जाए, ओमेगा बिल्कुल ही जीरो हो जाए, आप प्योर ट्रांसलेशन में आ जाए, यानी कि आप ट्रांसलेशन का कंपोनेंट ज्यादा कर रहे हैं, घिसटती हुई बॉडी ज्यादा जा रही है और रोटेट थोड़ी कम कर रही है, दिस इज नॉट प्योर रोलिंग। ये हमने केस डिस्कस नहीं किया अभी तक। चलो और एग्जांपल लेता हूँ, आपकी गाड़ी मान लो गार्डन है, घास में अगर आपने गाड़ी को कभी, और बारिश का पानी है
उसमें अगर आपने, या मिट्टी जो है गीली मिट्टी है बहुत ज़्यादा, टायर धस जाते हैं थोड़े मिट्टी में ना, उसमें अगर आप रेस देंगे ना, तो आप देखते होंगे कि ज़्यादा रोटेशन हो जाते, मतलब जो है व्हील है वो बहुत तेज़ रोटेट करता है, मड भी बहुत गिरती है लेकिन आगे कम जाती है। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास तो हो सकता है चक्का फंस ही जाए, खड़ा खड़ा बस वो खड्डा ही हो जाए, और होता क्या होगा उसमें, सेंटर ऑफ मास तो रुक गया और ओमेगा बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपका टायर तो बहुत तेज़ घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास चल ही नहीं रहा, चलो थोड़ा चला भी देते हैं, तो सेंटर ऑफ मास धीरे चल रहा है लेकिन टायर बहुत तेज घूम, दिस इज अगेन नॉट अ प्योर रोलिंग, आप गाड़ी जैसे तो नहीं चलाते हो सड़क पे। हमने अभी तक जो केस किया वो सिंपल प्योर रोलिंग का किया, कोई स्किडिंग नहीं, कहीं गाड़ी फंसती नहीं है, बस सीधे ही चलती है, प्योर रोलिंग है। लेकिन एक्चुअल में तीन केस हैं, या तो गाड़ी नॉर्मल चल रही है, कहीं ना स्किडिंग हो रही है ना ना ओमे, मतलब वी सेंटर, ये रिलेशन फॉलो कर रही है, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट? तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वी सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन आर ओमेगा हो जाए, और जब मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन आर ओमेगा तो ओमेगा स्लो है, ओमेगा कम है, वी सेंटर ऑफ मास ज़्यादा है, यानी कि बॉडी स्किड करती हुई आगे जाएगी और टायर उसका थोड़ा स्लो घूमेगा, दिस इज नॉट अ प्योर रोलिंग, पॉइंट समझ में आ रहा है? और ऐसा भी हो सकता है कि वी सेंटर ऑफ मास इज लेस देन आर ओमेगा, यानी कि ओमेगा ज्यादा है और वी सेंटर ऑफ मास कम है, यानी कि तेज 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 घूम रही है, ओमेगा बहुत तेज है लेकिन सेंटर ऑफ मास आगे चल ही नहीं रहा। तो तीन ही केस हो सकते हैं, या तो इक्वल टू का केस है, या ग्रेटर देन, या फिर लेस देन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में तीन चीजें इकट्ठी चलती हैं, हमने सिर्फ पहली की और वो भी पूरी तरह नहीं की। अब मैं आपको पूरा उसका लिंक बताता हूँ जो हमने काम किया, अब वो कंप्लीट दिखेगा आपको कैसे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है इसमें, टाइप्स ऑफ रोलिंग। टाइप्स ऑफ रोलिंग में कैसे डिफाइन किया, या तो प्योर रोलिंग है, और प्योर रोलिंग को न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में लिखा जाएगा, रोलिंग विदाउट, वो प्योर रोलिंग नहीं लिखेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लिखेगा अ बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक पहचान में आएगा प्योर रोलिंग है। और जिसमें प्योर रोलिंग नहीं है उसमें लिखेगा कि रोलिंग विद स्लाइडिंग, राइट? तो दूसरा केस है रोलिंग विद स्लाइडिंग, क्लियर है? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं तीनों केस। प्योर रोलिंग जो हमने अभी तक की, प्योर रोलिंग में एक रिलेशन तो पक्का लगेगा, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट? वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक। मैंने इसका प्रूफ आपको पिछली से पिछली शायद असाइनमेंट में करवाया था, या लास्ट असाइनमेंट में करवाया था, कि प्योर रोलिंग में वी सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा कैसे प्रूफ करते हैं। थोड़ा लंबा प्रूफ करवा दिया, बुरा नहीं है, ठीक, इतना भी लंबा नहीं है, दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा थे। एक लाइन का प्रूफ है जो उसी टाइम लिख देना चाहिए था, बट क्योंकि रह गया उस टाइम, तो अभी बता देता हूं कि सपोज करो अगर कोई बॉडी, याद रखना किसमें होगी, प्योर रोलिंग में होगी, राइट? प्योर रोलिंग में होगी, तो आपको याद होगा जो प्योर रोलिंग है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, ऐसे करते थे ना, याद है? मैंने वो डायग्राम भी बनवाया था आपसे, ऐसा ये प्योर रोटेशन का डायग्राम था और ये ट्रांसलेशन का था, और प्योर रोलिंग में क्या करते थे, इस वेक्टर को इसमें ऐड, इस वेक्टर को इसमें ऐड, तो हम क्या करते थे, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसमें ऐसा डायग्राम बन जाता था, और वी सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा आपस में कैंसिल कर जाते थे। मैं बोलता था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट माना जाता है प्योर रोलिंग में हमेशा किस पे रहेगा, एट रेस्ट, ऐसे किया था हमने। तो प्योर रोलिंग में हम एक चीज करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना, ऐसा कुछ नहीं करना, ये डायग्राम तक क्लियर हो गया, बनाया हुआ है ये ना, ठीक। एक वेलोसिटी किसकी वजह से है, ट्रांसलेशन, और आर ओमेगा किसकी वजह से है, प्योर रोटेशन। वेक्टर सम लें, प्योर रोलिंग की कंडीशन सुन लो, लिखा हुआ है इन प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज ऑलवेज एट रेस्ट, यानी कि नेट वेक्टर, नेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यहां पर हमेशा क्या आनी चाहिए, जीरो, रेस्ट का मतलब जीरो। और वो कब आएगी, जब ये वेक्टर इसे क्या करेगा, कैंसिल। हो गया प्रूफ, वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा, कुछ करने की जरूरत क्या है, बस हो गया प्रूफ। तो क्या वो टाइम पीरियड लिया था, रेवोल्यूशन 2 पाई आर, एस इज वी टी, कुछ नहीं करना, बस एक कंडीशन याद रखनी है, वो क्या,
कि बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा किस पे रहेगा, एट, तो बस आगे और पीछे की वेलोसिटी कैंसल, डन। फिर सपोज किसी ने कहा सर प्रूव करके बताओ एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आर अल्फा, यानी कि अगर मान लो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, तो मुझे पता है कि रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, ऐसे किया। ट्रांसलेशन के अंदर मान लो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, रादर उसका हर पॉइंट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, भी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट नहीं है ना, एक्सेलरेट करेगा। तो रोटेशन के अंदर भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती थी, आर अल्फा, आर अल्फा, क्योंकि वेलोसिटी अब कांस्टेंट होना रहेगी, इसमें भी, इसमें ओमेगा भी अब चेंज होगा, तो क्या जनरेट हो जाएगा, अल्फा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती थी, आर अल्फा। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दो वेक्टर बनेंगे, एक ट्रांसलेशन का और एक टेंजेंशियल का, दो वेक्टर बन गए। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा किस पे रहेगा, एट रेस्ट, तो बोलो प्रूव हो गया ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, बिना कैलकुलस के प्रूफ हो गया ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर अल्फा। पॉइंट समझ में आ रहा है, सिर्फ इस कंडीशन से कि बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा हमेशा किस पे पाया जाएगा, एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें, फिर से ये कंडीशन याद रखनी है राइट, रोलिंग की, कि बॉटम मोस्ट पॉइंट किस पे रहेगा, एट रेस्ट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये डायग्राम है, तो अगर रेस्ट पे रखना है तो ये इसके इक्वल हो है, वेक्टर कैंसल, नेट वेलोसिटी जीरो। अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो यहां पर वी की जगह ए सेंटर ऑफ मास और यहां वेलोसिटी की जगह आर अल्फा, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट किस पे, एट रेस्ट। तो यानी कि ये वैल्यू ए सेंटर ऑफ मास और आर अल्फा भी कैंसल, तो सही हो गया प्रूफ, ए सेंटर ऑफ मास, आर अल्फा। ये रिजल्ट्स आपको आते हैं पर मैंने किसी और तरीके से करवाए थे, पर इस बार मैंने तरीका थोड़ा सिंप्लीफाइड किया है, बस वो कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा, वो लंबा था, ये एक लाइन में प्रूफ हो जाता है राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक राइट, एक आंसर। दूसरा, प्योर रोलिंग के अंदर, प्योर रोलिंग के अंदर अभी क्या डिस्कस किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा हमेशा किस पे रहेगा, एट रेस्ट। क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट स्लाइड करता हुआ जाएगा, घिसटता हुआ तो नहीं जाएगा, रेस्ट पे रहेगा ना हर इंस्टेंट पे, और अगर वो रेस्ट पे रहेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब दो बॉडीज का स्लाइड करना, घिसटना। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही ना ऐसी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, तो कौन सी फ्रिक्शन है, इसका मतलब स्टैटिक। तो याद रखना, नो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द बॉडी, कब, जब बॉडी क्या करेगी, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन रोल नहीं प्ले करेगा, बिकॉज देयर इज नो स्लाइडिंग, बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट। तो क्या करेगा, ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो भी कब, अगर एग्जिस्ट करेगी। अब एग्जिस्ट से मेरा मतलब क्या है, अगर आपने एक स्फीयर को रखा, ध्यान से प्लीज, अगर आपने एक स्फीयर को ग्राउंड पे रखा, आपने उसे हाथ नहीं लगाया, अब मैं टच ही नहीं करता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी, जीरो। आप रोलिंग को छोड़ो यार, आप बक्सा लो, ये रहा लेक्चर स्टैंड बॉक्स है, मैं इसको हाथ नहीं लगाता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है इसमें, जीरो। अगर मैं टू लगाऊंगा तो वो भी टू डेवलप हो जाएगी, थ्री लगाऊंगा तो थ्री डेवलप होगी, सेम केस है, जब मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई, तो स्टैटिक भी क्या हो जाएगी, जीरो, फिर रोलिंग भी कैसी होगी, रोलिंग ही नहीं होगी फिर तो। लेकिन अगर मैं उसको मूव करवाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी रोलिंग में, तो वो एग्जिस्ट करेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, फिर से पुष्पेश, अगर एक स्फीयर है, अगर मैं एक स्फीयर को प्योर रोलिंग में ले आता हूं, कोई स्फीयर दुनिया का अपने आप तो रोल नहीं करता ना, आप जाके या तो उसके उस पे छत पे टॉप पे टेंजेंशियल फोर्स लगाओ तो वो रोल करेगा, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, या आप फेंक ही तो चलो कुछ तो करो, रोलिंग में आ गई, तो जब वो रोल कर रही है, बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा किस पे रहता है, एट रेस्ट। तो कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले कर रही है, स्टैटिक। बात इतनी सी है बस, पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले, तो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स अप्लाइड। इफ
फोर्स एक्सटर्नल इज प्रेजेंट देन फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन केस ऑफ अ प्योर रोलिंग, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, छेड़ोगी नहीं तो फिर जीरो रहेगी और कहां से आएगी। स्टैटिक विल एक्ट इफ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अब ये लाइन क्या बताती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डायरेक्शन क्या होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन सबसे मुश्किल होती है, काइनेटिक में तो कोई चक्कर ही नहीं, बॉडी इधर घिसटती हुई जा रही है काइनेटिक पीछे है, बॉडी इधर घिसटती हुई जा रही है काइनेटिक इधर है। स्टैटिक फ्रिक्शन टेंडेंसी देखती है बॉडी की मूव करने की, अगर आपको लगता है कि मेरा स्फीयर इधर जा रहा है तो स्टैटिक इधर जाएगी, अगर आपको लगता है कि स्फीयर इधर जा रहा है तो स्टैटिक इधर आएगी। तो मैं इसकी फिक्स डायरेक्शन कैसे बताऊंगा, ये तो टेंडेंसी है क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली कहां पे रहेगी, एट रेस्ट, उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट तो रेस्ट पे है, हमने टेंडेंसी देखनी है उसकी कि कहां पे है। अब इस स्टेटमेंट से मेरा मतलब क्या है, ये टेंडेंसी कैसे देखते हैं, इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं। जब मैंने आपको एक्सेलरेशन वाला ये टॉपिक करवाया था, चेक करो ये डायग्राम था, ये रहा राइट, यही था ना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था, ये लास्ट टाइम निकाला जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय राइट, इसका यही डायग्राम बनाया था ना। इसके अंदर नोट करो कौन सी रोलिंग थी, प्योर रोलिंग थी, हमने स्लाइडिंग तो नहीं ली थी, हमने केस ऑफ प्योर रोलिंग लिया था। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर वन, ये फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं थी, ये कौन सी थी, स्टैटिक थी राइट। और स्टैटिक अपना रोल कब प्ले करती है, जब स्फीयर मूव करता है, इसमें स्फीयर को ट्रांसलेट करवा कौन रहा है, एमजी, एमजी साइन थीटा उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे, कहां, नीचे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां आएगी, ऊपर। तो समझ में आया ये ऊपर क्यों एक्ट किया, क्लियर है यहां तक। तो ये आंसर है उस क्वेश्चन का कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कौन सी फ्रिक्शन है स्टैटिक और इसकी डायरेक्शन ऊपर क्यों है, वो इसलिए ऊपर, एक और भी रीजन है, क्योंकि बॉडी रोल करेगी और रोल करवाने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, टॉर्क। तो इकलौती एक फ्रिक्शन ही फोर्स है जिसमें टॉर्क जनरेट करवा रही है और उसको पीछे एक्ट करना ही पड़ेगा ताकि टॉर्क आगे तरफ जनरेट हो। तो बहुत सारे रीजन है इसको एक्सप्लेन करने की, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे क्यों है राइट, ताकि ये टॉर्क क्लॉकवाइज जनरेट कर सके, क्लियर है यहां तक। लेकिन अगर आप ये पूछो कि सर और प्रॉब्लम में मैं कैसे ढूंढूंगा, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ये न्यूमेरिकल से ही करवाऊंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स या स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शंस हैं, इसको निकालने का फिक्स रूल नहीं है, हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते हैं कि कहां लगानी है, जिसकी प्रॉब्लम्स इस शीट में लिखी गई हैं, जो नेक्स्ट टाइम तक ही आपका पूरा हो पाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं अभी, बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए इस पूरी स्टेटमेंट के बाद, वो क्या कि जब कोई बॉडी, रिवाइज कर रहा हूं, जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होगी, पॉइंट नंबर वन, उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट किस पे माना जाएगा, एट रेस्ट। कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करती है प्योर रोलिंग में, स्टैटिक, बस इतनी सी बात समझ में आती है, बस इतना सा काम खत्म। नेक्स्ट केस करते हैं, नेक्स्ट केस कौन सा है, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा राइट। नेक्स्ट ये वाला केस है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, या तो बड़ा है या फिर छोटा है। दिस इज नॉट अ केस ऑफ अ प्योर रोलिंग, अ प्योर रोलिंग नहीं है, तो रोलिंग विद स्लाइडिंग होगी। पहला केस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, इमेजिन करो, इसे कैसे इमेजिन कर रहे हो, बॉडी ज्यादा क्या कर रही है, स्लाइड, ट्रांसलेट ज्यादा कर रही है और रोटेट, क्योंकि ओमेगा कम है और सेंटर की वेलोसिटी ज्यादा है। गुड आउट, इसमें करें स्टार्ट। अब जब बॉडी घिसटती हुई आगे जा रही है, चाहे वो रोटेट कम करे पर घिसटती हुई आगे जा रही है, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, पीछे। तो ये पॉइंट समझ में आया, और कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करेगी, काइनेटिक। तो स्लाइडिंग के केस में स्टैटिक का कोई रोल नहीं, स्लाइडिंग के केस में काइनेटिक का रोल है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आया यहां तक। तो जब ये बॉडी आगे ट्रांसलेट करती हुई आगे आएगी, घिसटती हुई आगे आएगी, चाहे रोल कर रही है पर पूरी तरह नहीं कर रही, हल्का हल्का इसका व्हील घूम रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, पीछे। ये रूल समझ में आया कैसे जज करना है, क्लियर। तो ये स्किड कर रही है एक तरीके से, बॉडी स्किड कैसे कर रही है, आगे, तो फ्रिक्शन कैसे है, पीछे। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या है,
अब हुआ क्या कि मान लो आप ऐसा करते हैं, और मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्फीयर के साथ नहीं ले सकता बट वैसे आपको बता सकता हूँ। पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं फिर बताता हूँ कि जैसे सपोज करो ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ अपना रोल प्ले कर रही है, राइट। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, अब मुझे पता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग इस तरफ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जब रोल प्ले करेगी तो आपको ऐसा लगता है टॉर्क जनरेट कर देगी, ये सेंटर है, टॉर्क कितना जनरेट करेगी, एफ ऑफ के इंटू आर, आर इंटू एफ, और कैसे करेगी? अगर मैं यहां ये मान लो ये बॉडी है, गोल बॉडी है, और इसके मैं जो फोर्स यहां लगाऊं काइनेटिक मेरी तरफ, ऐसे एफ ऑफ के मेरी तरफ है, तो ये कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां लगेगी तो ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगी। अब ओमेगा की वैल्यू पहले तो कम थी, जो ओमेगा था इनिशियली वो क्या था, कम था, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसी रोल में आई ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई, क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जब वो पहले घिसट रही थी, काइनेटिक फ्रिक्शन आई, काइनेटिक फ्रिक्शन ने भी तो टॉर्क जनरेट करवाया। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ओमेगा की वैल्यू जो कम थी वो थोड़ी ज्यादा हो गई, ओमेगा बढ़ गया बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ने क्या जनरेट करवाया, टॉर्क बढ़ गया, और वी ऑफ सी जो पहले ज्यादा था वो अब उल्टा कम हो गया, क्योंकि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी तो कहीं ना कहीं चेंज होगी, तो इसमें इनइक्वालिटी थी, पहले वी सी बड़ा था, ओमेगा कम था, काइनेटिक फ्रिक्शन ने टॉर्क जनरेट करवाया और जिससे कि क्या किया, ओमेगा को बढ़ा दिया, वी सी कम हो गया, और कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ क्या कि एफ ऑफ के विल जनरेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओमेगा स्टार्ट इंक्रीजिंग, ओमेगा पहले कम था, इस टॉर्क की वजह से ओमेगा बढ़ गया, एंड वी सी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो ज्यादा थी, स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो कम हो गई। आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें वी सी जो कि ज्यादा था वो कम हो गया, ओमेगा जो कि कम था वो ज्यादा हो गया, और थोड़ी देर के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v और ओमेगा, वो क्या रिलेशन फॉलो करेंगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पहले नहीं कर रही थी पर काइनेटिक फ्रिक्शन के ने क्या किया, उसमें टॉर्क जनरेट करवा के उनकी फिर से रोलिंग स्टार्ट करवा दी, और जैसी रोलिंग स्टार्ट हुई काइनेटिक फ्रिक्शन इमीडिएटली क्या हो गई, जीरो, और कौन सी फ्रिक्शन आ गई, फिर से स्टैटिक। ये कहानी बड़ी लंबी है, दूसरे बैच ने कहा फिर से एक्सप्लेन करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, और ये भी कह के गए आज इसको अपलोड भी कर देना, ठीक। देखो मैं फिर से बताता हूँ, सपोज करो, ये एग्जांपल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये बढ़ गया कम हो गया, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये एग्जांपल लिया दूसरे बैच में, छोटे होते बच्चे क्या करते हैं, पाउडर गिर देते हैं जमीन पे, और हाँ वो हम तो जी स्केटिंग करते हैं ऐसे करेंगे, पर होता क्या है कुछ देर के बाद वो पाउडर स्लिपरी खत्म हो जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, उलट जाते हैं, हमेशा तो नहीं ऐसे ऐसे जाते, करके देख लेना घर जाके, आज पाउडर क्या, घर में एक पोछा सा मारो, साफ करो, तो जो भी फर्श है वो आराम से करो, ज़्यादा देर जा नहीं पाओगे, ज़्यादा अगर बैलेंस से बनाओगे ना, हाथ मान लेना अपने, फटाफट ऐसे आना और फिर देखना सीधा ऐसे ही गिरोगे। क्यों गिरोगे? क्योंकि जैसी आप स्लाइडिंग कर रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शन आगे पीछे, उस काइनेटिक फ्रिक्शन ने आपके अंदर टॉर्क जनरेट करवा दिया, और उसने तो प्योर रोलिंग करवानी थी, तो आपकी क्या स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग। अब इमेजिन करो आपकी शेप स्फीयर है, आप स्फीयर जैसे हो गोल, अब देखो आप कैसे कर रहे हो, अब आप स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रिक्शन ऐसे है, अब क्या होगा आपकी रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यही तो हो रहा है। तो क्या हुआ, शुरू में आप चाहते थे कि स्लाइडिंग हो, ओमेगा आपका कुछ भी नहीं था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन ने आपने क्या जनरेट किया, टॉर्क, और थोड़ी देर के बाद आप प्योर रोलिंग में आ गए, ठीक तरह रोल करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो इसका मतलब यू विल फॉलो अ रिलेशन, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चन, ये सारा मैंने यही तो एक्सप्लेन किया कि पहले मैंने कहा ये बड़ा है, फिजिक्स के हिसाब से ये बड़े होने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बड़ी है, स्लाइडिंग चल रही है, तो मैंने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन इधर है, काइनेटिक इधर है तो ये टॉर्क आगे जनरेट करवाएगी जिससे कि ओमेगा बढ़ जाएगा, घूमने की टेंडेंसी बढ़ेगी,
और जिससे थोड़ी देर के बाद दोनों वेलोसिटीज चेंज होके क्या रिलेशन फॉलो करेंगी, v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। पॉइंट समझ में आया, ये डायरेक्शन समझ में आई काइनेटिक की कैसे हुई, कोई डाउट इसमें? ठीक, एक और ऐसा देखो, क्लियर है यहां तक? फिर देखो, इस बार आपकी गाड़ी मिट्टी में फंस गई, अब अलग केस है। अब क्या आपका टायर घूमता जा रहा है, बड़े ध्यान से देखना प्लीज, आपका टायर तेज तेज घूमता जा रहा है और मान लो चल रहा नहीं, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ही जीरो कर दो, इसने तो फिर भी कहा कि चलो कुछ कर लो, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल जीरो कर दो, फंसे रहने दो अभी दो मिनट के लिए, तो खड़ी खड़ी आपकी गाड़ी घूमती जा रही है, राइट। तो ये कौन सा केस है, ओमेगा बहुत बड़ा है वीसी से, रादर मैं तो कह रहा हूँ वीसी बिल्कुल ही जीरो कर दिया मैंने, सेंटर की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है अभी, पर चलो वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत ले लो उसको आगे भी चल ले दो, तो केस इमेजिन कर लिया, ध्यान से देखना, अगर आपकी गाड़ी इस तरीके से तेज 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 घूमेगी, लोएस्ट पॉइंट की टेंडेंसी कहां है जाने की, पीछे, ये ग्राउंड को ऐसे टच करता हुआ पीछे जाएगा, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, आगे। ओके, फिर से एक बार समझते हैं, इस बार मैं अर्थ हूं, मैं ग्राउंड हूं, अब देखो मेरे ऊपर किसी ने टायर रख दिया और देखो मेरा कंट्रोल देखो कैसे चलेगा, वो कह रहा है टायर बहुत तेज तेज घुमाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, ऐसे कैसे घुमाएगा, मतलब अगर आपकी गाड़ी मिट्टी में फंसेगी तो ग्राउंड कहेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप घुमाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, उल्टा मैं तो और हेल्प करूंगी, ऐसा थोड़ा ना होता है, तो आप रेस देते हो तो टायर घूमता है, उल्टा अर्थ क्या करती है, ग्राउंड क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करती है, ऐसे ही होता है। अब सोचो क्या हुआ, टायर कैसे घूमने की कोशिश कर रहा था, इस तरीके से ऐसे, तो ऑब्वियसली मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा तो फ्रिक्शन कहां लगाऊंगा, पीछे, ग्राउंड का फ्रिक्शन पीछे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां कहां एक्ट करेगा, उस तरफ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, एक और तरीका है, एक और तरीका, नहीं समझ आता कोई, देखा एक और तरीका है, इन दोनों में से कौन बड़ा, आर ओमेगा की वीसी, इन दो वेक्टर में कौन बड़ा, आर ओमेगा की वीसी। ओके ठीक, जब वीसी बड़ा था पिछले पार्ट में तो फ्रिक्शन कहां थी, इधर, आर ओमेगा बड़ा है तो फ्रिक्शन कहां है, केस क्लोज हो गया यार, ठीक है, जो बड़ा है उसके ऑपोजिट लगा दो, बात खत्म, डन, कोई डाउट इसमें? ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखो, आपकी गाड़ी मिट्टी में फंस गई थी या गीली मिट्टी में फंस गई, अब वो तेज 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 घूम रही है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अब फ्रिक्शन करेगा क्या, फ्रिक्शन इसमें भी टॉर्क जनरेट करेगा। अब सोचो, अगर मैं यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां लगाऊंगा नीचे एफ ऑफ के, तो ये कैसे घूमेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज, टायर घूम कैसे रहा था, क्लॉकवाइज, तो आपको लगता नहीं कि ओमेगा कम हो जाएगा, फ्रिक्शन की हेल्प से ओमेगा बढ़ेगा थोड़ी ना, फ्रिक्शन की हेल्प से ओमेगा कम हो जाएगा, और याद रखना जब ओमेगा कम होता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो गाड़ी अब बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी उस खड्डे से, ओमेगा की वैल्यू जब देखो टायर थोड़ा कम घूमेगा आगे जाएगा तभी बात बनेगी रोलिंग की, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, इस केस में ओमेगा वो बहुत तेज था, फ्रिक्शन ने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करके, उल्टा टॉर्क जनरेट करके उसके ओमेगा को कम कर दिया, ओमेगा कम हो गया, वीसी को बढ़ा दिया, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, फिर से कौन सी रोलिंग स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग, फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई अगर ये कहेगा सर गाड़ी मिट्टी में फंसी रहे तो नहीं स्टार्ट हुई मेरी, तो गाड़ी निकली नहीं बाहर, तो ऐसी प्रॉब्लम फिजिक्स में आएगी नहीं, वो निकाल के छोड़ेगा, वो कहेगा पहले इम्प्योर रोलिंग है फिर प्योर रोलिंग है, टाइम बताओ कितनी देर में गाड़ी बाहर निकली, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक, मतलब ये ना सोचना कि हमेशा प्योर रोलिंग से एंड होगा, होगा हमारे क्वेश्चन प्योर रोलिंग से एंड होंगे, बाकी मुझे पता नहीं कोई हो ना हो। अब कोई कहे सर मेरे तो स्फेयर स्लाइड करता हुआ चला गया, बात ही खत्म हो गई, कोई वो कहेगा वो कौन सी बॉलिंग गेम होती है जो स्फेयर गिरते हैं, तो स्फेयर मेरा पहले स्लाइड करता गया घूम कम रहा था, तो इट वॉज अ केस ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज्यादा थी, स्लाइडिंग ज्यादा थी, घूमना कम था, इतने में बॉल भी हिट होगी, केस ही क्लोज, प्योर रोलिंग का केस ही नहीं आया, तो अपनी प्रॉब्लम में नहीं आएगा, अपनी प्रॉब्लम में तो प्योर रोलिंग भी आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर आप एक साइकिल चलाते हो, अगर आप एक साइकिल चलाते हो, टायर इस तरीके से घूम रहे हैं दोनों,
फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों टायर्स के नीचे लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, एक लेफ्ट है एक राइट है, या एक राइट है कि एक लेफ्ट है? ओके, टायर ऐसे घूम रहे हैं दोनों, दोनों पे फ्रिक्शन पहले बताओ ग्राउंड पे पीछे लगेगी या आगे लगेगी? पीछे लगेगी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलता है नहीं एक टायर पे आगे लगेगी एक टायर पे पीछे लगेगी? नहीं बोलता। एक्चुअल में यही आंसर है, इसको देखते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। Now let's try and use that knowledge and our picture of formation of bonds and breaking bonds and try and use that knowledge and our picture of okay ye light band karna ye wali bas theek that knowledge and our picture of formation of bonds and breaking of bonds to a very real life problem. Have you ever wondered, when you're riding your cycle, in which direction is friction acting on your wheels? The road looks really rough, right? So there must be some friction acting. Then if it is it acting forwards or is it acting backwards? Is it the same for the front wheel and for the back wheel? There are multiple questions I just to ask. I want you to think about them. The answer for these is what we'll do next. To find the answer to this question, let's do something really mischievous. Just when somebody is about to start their cycle, right, we bring in a giant who just lifts the cycle up with the handlebars in the seats and lets them pedal. Now they're pedaling the cycle, but then the cycle's not in touch with the ground. What will be happening? One wheel will rotate for sure, the back wheel, because that's pretty much what you're doing with your legs, right? You're rotating that wheel. But what will happen to the front wheel? It will not rotate at all. It will be at rest. Now what the giant does, slowly begins to lower that bicycle, but not before making the road super smooth and slippery and putting a paper on it. Yeah, so this means that the paper can just move either ways really, really easily. And then he tilts the bicycle a little bit and puts it on the road such that the front wheel touches. But now, is that anything meaningful? Is there anything? मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि imagine करते हैं एक cycle उसने हवा में उठाया। उसने कहा कि जो torque लग रहा है हम घुमा रहे हैं एक टायर, वो पीछे वाला टायर घुमा रहे हैं, अगला टायर को हम टच भी नहीं कर रहे, तो जब मैंने हवा में उठाया तो आपने देखा कि पिछला टायर घूम रहा था, अगला टायर रेस्ट पे था, राइट? उसके साथ तो चेन नहीं बंधी हुई ना, तो जब वो कहता है कि अगला टायर मैं नीचे रखा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये हवा में घूम रहा है, इस पर तो हमने फोर्स लगाई भी नहीं थी। यहाँ तक क्लियर है? When he puts the back wheel as well, and the moment the back wheel touches the piece of paper, something interesting is going to happen, right? Because when initially the front wheel alone was touching, there was contact, but there was bonds were forming, but bonds form ho gaye, nothing much happened. Rest but now, was bond form ho gaye. When the back wheel is also touched, ye move kar raha and the bonds are forming between the back wheel and the piece of paper. Now the back wheel is rotating, so it's going to move, dekho, bond, and along with that, push the piece of paper. और इसमें एक और assumption लिया please, उसने क्या बताया, आपने ध्यान से, वो आवाज स्लो थी, उसने कहा इमेजिन करते हैं जो फ्लोर है, जो ग्राउंड है, वो रेस्ट पे नहीं है, बेसिकली वो कहता है नीचे एक पेज रख लो, बड़ा सा पेज है, तो जब ये टायर नीचे इस तरीके से घूमेगा तो पेज की डायरेक्शन अगर लेफ्ट है तो फ्रिक्शन यानी कि टायर पे राइट है, तो उल्टा बोलना है, राइट? तो वो देखना चाहता है कि पेज की डायरेक्शन कहाँ गई, तो जैसे ही चलता हुआ व्हील कहाँ पर आया, यहाँ पे रखा, तो पेज कहाँ जाएगा, वो कह रहे लेफ्ट जाएगा। वो क्यों जाएगा? बॉन्ड बने हुए थे, ये बॉन्ड तो ऊपर चला गया, ये वाला बॉन्ड इस पेज को पीछे लेके जा रहा है। They keep doing this. New parts of the wheel are going to touch the paper, form a bond, पीछे. Push it and go back. तो इस टायर पे फ्रिक्शन काम करेगी। The paper is going to move that way, but while that's happening, right? What has to happen is that this paper that has formed bonds with the front wheel will start pulling that front wheel, right? So here the back wheel is
pushing the paper that way. Paper backward. But that's leading to the paper pulling the front wheel. This front way. Wheel. So after, if you just look at it now, it'll look like both wheels are rotating. But one of them is the cause of this paper to move. And the paper in turn creates the front wheel to rotate in the forward direction. Now coming to the question. वो कह रहे हैं इमेजिन करो एक हार्ड पेपर है, बैक व्हील ने पेपर को पीछे पुश किया, पूरा पेपर पीछे मूव कर रहा है, वो पेपर मूव करने की वजह से ये टायर आगे गया, राइट? तो इमेजिन कर रहे हो इस चीज को, राइट? क्लियर है यहां तक? तो पहले पिछला व्हील समझ में आया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे, व्हाट्स द फ्रिक्शनल फोर्स इन दीस केसेस? लेट्स लुक एट द बैक व्हील फर्स्ट. द बैक व्हील केम इन कॉन्टैक्ट विद द पेपर, फॉर्म सम बॉन्ड्स विद इट. And through those bonds, push the paper backwards. Parallel to the surface, right? तो इस पे friction, this is kind of what we call, or this is exactly what we call friction. So, the back wheel applied a frictional force on the paper backwards. By Newton's third law, the paper must have applied a frictional force on the back wheel forwards. So, the frictional force on the back wheel is forwards. Now, that's interesting. What about the front wheel? Is it going to be the same? Back clear ho gaya na? If you look at the front wheel, front. It had formed some bonds with the paper already. Bond? And then the paper began to paper move ja that tha? Way, thereby piche. Pulling tire the front wheel. That the paper way. Piche ja raha hai. Now, aur this tire front wheel is feeling a pull from the paper in a direction parallel because of the contact. That's exactly friction. So, that force that we marked there is the friction on the front wheel, and that's friction backwards. Is taraf. So, when a cycle is being pedaled forwards on a piece of paper, right? Dhyan se. बेसिकली क्या हो रहा है, मैं इसको और एक तरीके से समझाता हूँ कैसे. इमेजिन करो ये सामने व्हील ना होता, इमेजिन करो एक बॉक्स रख दिया आपने, बस पीछे व्हील रहने दो, आगे बॉक्स रहने दो. आप पीछे व्हील को पेडल कर रहे हो, बॉक्स तो सिर्फ क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है. बिल्कुल वही काम है इस पर व्हील के साथ भी. व्हील तो पड़ा हुआ है ना, व्हील को पेडल तो मार नहीं रहा आगे वाले को, तो व्हील तो बस एक स्लाइडिंग का केस काम कर रहा है. और स्लाइडिंग में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होती है, पीछे. स्लाइडिंग के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां है, पीछे. अच्छा एक और तरीका है जो इसने समझाया, उसने कहा पेपर कहां जा रहा है, पीछे. इधर पेपर जो है वो कहां जा रहा है, पीछे, राइट. तो ये टायर, ये जो टायर है इसकी मोशन कैसे हुई, इसकी मोशन इस तरीके से हुई, राइट. इसकी जो मोशन है इस तरीके से हुई. तो अगर आप बॉन्ड्स को देखो, पेपर के बॉन्ड्स इधर जा रहे थे, पेपर के बॉन्ड इधर है, और टायर के बॉन्ड्स कहां थे, पीछे की तरफ थे. मतलब वो क्योंकि पेपर के बॉन्ड इधर जा रहे थे, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना जो एनिमेशन में दिखाया इसने, इसको द फ्रंट व्हील, इज इट गोइंग टू बी द सेम? सी इफ यू लुक एट द फ्रंट व्हील, इट हैड फॉर्मड सम बॉन्ड्स विद द पेपर ऑलरेडी. पेपर तो इस तरफ जा रहे हैं, टू मूव दैट वे, थेरबाय पुलिंग. तो फ्रिक्शन इसे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है मोशन में. दिस फ्रंट व्हील, तो फ्रिक्शन कहां कर रही है, टुवर्ड्स पुल फ्रॉम द पेपर इन डायरेक्शन पैरेलल बिकॉज़ ऑफ द कांटेक्ट. दैट्स एग्जैक्टली फ्रिक्शन. सो दैट फोर्स दैट वी मार्क देयर इज द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील. फ्रिक्शन ना होती तो व्हील घूम ना पाता. सो व्हेन अ साइकिल इज बीइंग पेडल्ड फॉरवर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सो इट्स गोइंग टू रिमेन हियर. बेसिकली इसमें जो डायरेक्शन है, फ्रिक्शन व्हील इज फॉरवर्ड, द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील इज बैक. दिस इज द सॉल्यूशन. तो इसमें इस व्हील पे फ्रिक्शन इधर होती है, इस पे फ्रिक्शन, ये सिर्फ स्लाइडिंग का काम कर रहा है, अगला टायर कुछ नहीं कर रहा. आप टायर मत लगाओ, आप एक बॉक्स लगा दो सिंपल, तो बॉक्स घिसटता हुआ आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे जाएगी, सिंपल. पर हम बॉक्स इसलिए लगाते नहीं, फिर साइकिल चलाना मुश्किल होगा, जोर ज्यादा लगेगा. टायर एक ऐसी बॉडी है जो इटसेल्फ अपने आप ही सेल्फ ड्राइविंग है, तो आप उसको स्लाइड करवाओगे जल्दी स्लाइड होता है, पर करेगा वो स्लाइड, उसके अंदर जो टॉर्क है वो पेडल से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो सिंपल स्लाइडिंग का काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसकी पीछे ही एक्ट करेगी. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसका आंसर ये नहीं है कि सेम डायरेक्शन में, इसका आंसर है इन ऑपोजिट है. क्लियर यहां तक? अगला वाला, ओके. देखो अगले वाले को समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि अगले वाले को हमने पैडल नहीं किया, अगला वाला सिर्फ हमारे पिछले पैडल की वजह से आगे जा रहा है, राइट. तो आगे वाला टायर सिर्फ आगे की तरफ स्लाइड हो रहा है, बस. स्लाइड होने का मतलब कर तो वो रोल ही रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका रेस्ट पे है रोलिंग की वजह से, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां जा रहा है, आगे 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 जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी पीछे की तरह ट्रीट होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे होगी. क्लियर यहां तक? और लास्ट एक और एक्सपेरिमेंट, बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है.
The topic for today's lecture is rolling. Rolling. मालूम है कौन है? Okay, बहुत बढ़िया. देखो, rolling क्योंकि इनसे ऊपर mechanics मुझे लगता नहीं है किसने लिखी होगी आज तक. तो ये पूरा वही explain कर रहे हैं velocity v और जो हमने किया. पर इसका experiment बहुत सही है. आगे देखना एक experiment. Like this, it gently goes and the lower portion remains at rest. So this is rolling. Pure this rolling. Is rolling. Cylinder की pure rolling. Please. If I press it with this scale. I am pressing this upper surface with this scale and gently pushing it in forward direction so that the tube is rotating and going ahead and the upper surface is definitely moving in forward direction and the scale is also moving in forward direction, you can see, and there is no slipping between the scale and the tube. It's not rubbing like this or it's not rubbing like this. So here these two velocities are same, the velocity of the topmost point and this plastic scale, they are same. Scale or scale velocity. So this tube is rolling on both the surfaces, the surface of the table as well as the surface of the scale. Now my experiment is this, I keep it here and place this scale here. The zero of this scale is right at the top of this tube. I very gently push it forward so that there is no slipping between the scale and the tube, and of course there is no slipping between the tube and the table. And let me pure rolling do it for pure rolling this much time so that the other end of the scale is now at the top surface. Right, pura scale pass kar gaya, right? So here, so how much has the tube moved in the forward direction and how much has the scale moved in the forward direction? Right. So the scale is the front edge of the scale has reached here, and this tube, the center of the tube has reached here, and when we started the motion, we started when both of these, the front edge of this scale and this center of the tube, they were here at this edge. So how much has the scale moved and how much has the tube moved in forward direction? So you can measure first tube, you see, is just one scale, length of one scale, it starts from here and the tube reached here. So it's 30 centimeters length tube of this 30 scale. Centimeters. And then from this point to that point, if you see, 60. It's yet another 30 centimeters. It is yet another 30 centimeters. So the front of the scale or the entire scale has moved through 60 centimeters, but the tube has moved through 30 centimeters. उसने क्या बताया? Tube कितने centimeter move करता है? 30. और scale कितना? 60. हमने pure rolling में क्या सीखा? Center of mass, bottom most point की velocity zero, top की velocity क्या होती है? 2 times center of mass किया था ना? Twice होती है. तो इसीलिए जो scale था वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर गया और ट्यूब जो है वो 30, तो स्केल कितना 60, क्योंकि स्केल की वेलोसिटी क्या होगी? डबल होगी. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव कर दिया कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से हमेशा डबल होगी. क्लियर? हमने वेक्टर से किया था, इसने एक्सपेरिमेंट से कर दिया. ये ज्यादा आसान है एक्सपेरिमेंट से करना. और एक लास्ट में, ये कुछ नहीं है, पूरी थ्योरी जो हमने की क्लास में सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, और लास्ट में इसने बस एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया. जो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने किया ना क्लास में, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, ये करने के बाद ये एक पैटर्न लेता है ऐसी. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दिस डिस्क हियर एंड बॉल हियर. सो डिस्क इज एट फ्रंट, बॉल इज एट रियर, एंड आई रिलीज इट फ्रॉम दिस पोजीशन. डिस्क और सॉलिड स्फीयर को ध्यान से देखने द्वारा करेगा.
So you see, they have gone at the same speed. Have they gone with the same speed, really? If I put the ball ahead and the disc on the rear, see what happens. उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जब उसने डिस्क पहले रखी और स्फेयर बाद में रखा तो इकट्ठे नीचे आए, क्योंकि डिस्क ने स्फेयर को रास्ता नहीं दिया आगे जाने के लिए, तो हमें लगा शायद वो इकट्ठे नीचे आएंगे। लेकिन जब उसने कहा कि मैंने स्फेयर आगे रखा और डिस्क पीछे रखी, तो पता लगा कि स्फेयर पहले नीचे आया। और हमने क्लास में डिस्कस किया था कौन पहले नीचे आएगा, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम होगा, और सबसे कम किसका होता था, 0.4 सॉलिड स्फेयर का। हमने मैथमेटिकल किया, इसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल के साथ ये पूरी थ्योरी कैसे मैच कर रही है, राइट? तो मैं आपको फिर एनर्जी कंजर्वेशन की असाइनमेंट दे रहा हूँ, अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ, 2-3 शीट्स हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, आपने ट्राई करनी है। संडे को टेस्ट नहीं है, मंडे को जब आओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तक रेडी करके आना।